डिस्क्लेमर, इस ब्लॉग को देखने से पहले अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा जरूर देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसके बाद भी नहीं देखना मत देखो, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ अगर कुछ समझ में नहीं आए तो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गुड मॉर्निंग। तो आज आगरा में हमारा दूसरा दिन है और काफ़ी अच्छी नींद आई है। तो हम जा रहे हैं जिसके लिए हम आए हैं, यानी पहले फतेहपुर सीकरी चले। शाम को ठंडे ठंडे में ताजमहल अच्छा लगेगा आपको। हम फतेहपुर सीकरी जाते हैं, आप आराम से देख लेंगे। रिटर्न हम जब आएंगे तो ताजमहल लाल किला दिखा के वहीं बस है आप, तो आराम से आप टाइमिंग पे बस पे भी जा सकते हैं। चलो तब फतेहपुर सीकरी चलते हो। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, के दिल पर हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। बच्ची अब जादो की नींद नहीं आती है, बत्तियां बुझाने से भी नहीं। बाबर के बेटे थे हुमायूं, हुमायूं के बेटे थे अकबर, अकबर के बेटे जहांगीर, जहांगीर के बेटे शाहजहां, जिन्हों का आप ताजमहल देखकर आएंगे देखने वाले। शाहजहां के बेटे थे औरंगजेब, औरंगजेब के बेटे थे बहादुर शाह जफर, जिनको अंग्रेज उठा के ले गए रंगून। तीन निके की अकबर ने, एक उनकी पहले नंबर की रानी थी मुस्लिम, दूसरे नंबर की थी क्रिश्चियन, फिरोज को मानने वाली, और तीसरे नंबर की थी राजपूत परिवार में जिनको जोधा बाई कहते हैं। दिल्ली रहते थे तीनों के साथ में, लेकिन लॉन्ग टाइम हो गया, लेकिन अकबर के औलाद नहीं होती थी तीनों रानियों से। तो अकबर मुस्लिम था, लेकिन वो जगह जगह भटका औलाद के लिए, जाने की सबसे पहले गए थे वो वैष्णो देवी एक मंदिर पे गए थे, फिर अजमेर गए थे ख्वाजा गरीब नमाज की दरगाह, गए आपका भी दरगाह नहीं अजमेर, हाँ मन्नत के लिए गए थे, लेकिन दोनों जगह से खाली लौट कर आए। वहाँ पे ख्वाब हुआ रात में सोते में कि आपको बेटा फतेहपुर सीकरी में मिलेगा। तो उस जमाने में एक बहुत ऊंचा पहाड़ था, यहाँ पर फकीर रहते थे, बाबा रहते थे, आकर उनसे मिले। जब उन्होंने अल्लाह से दुआ की तो हिंदू रानी से, यानी तीसरे नंबर की रानी से एक बेटा मिला। बेटे का फर्स्ट जोधा भाई सलीम, हाँ जोधा भाई से सलीम रखा उनका नाम, जो अकबर के बेटे थे जो अनारकली से मोहब्बत मोहब्बत कर। तो फर्स्ट नेम सलीम एंड आफ्टर नेम जहांगीर। तो ये जहांगीर की खुशी में पूरा फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनाया था। इमारत बनाना 1570 में स्टार्ट किया और 1582 में बनकर कंप्लीट, यानी कि जो कुछ देखने जा रहे हैं आप 12 साल में। अभी हमें बस से जाना है। यस सर, बस से जाना है। इससे आगे ऑटो नहीं जाता। ऑटो क्यों नहीं जाते यहाँ से? सर सीएनजी गाड़ी अलाउड है, सीएनजी गाड़ी अलाउड है। तो अगर आप फतेहपुर सीकरी आओगे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप गाइड जरूर करना, क्योंकि काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, नहीं तो वरना ये इमारत आपको किसी पत्थर तक कम नहीं लगेगी। यह फतेहपुर सीकरी मुगल एम्पायर से पहले इसका नाम विजयपुर सीकरी था, लेकिन 1569 में अकबर द ग्रेट ने इस पर हमला किया और 1571 से इसका नाम फतेहपुर सीकरी रख दिया। ये जो आप आर्किटेक्चर देख रहे हो ये एक्चुअली में हिंदू आर्किटेक्चर है, जो कि अकबर द ग्रेट ने अपनी बीवी जोधा बाई के लिए बनवाया था। अकबर सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करते थे, दैट्स व्हाई एवरीवन कॉल हिम अकबर द ग्रेट। अकबर ने चित्तौड़ से विक्ट्री हासिल करने के बाद अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को 23 माइल दूर सूफी संत सलीम चिश्ती तक फैलाने की सोची। अपनी राजधानी को फैलाने के बाद अकबर द ग्रेट ने इसे एक नया शहर बनाया जिसका नाम फतेहाबाद रखा। कुछ वक्त बाद फतेहाबाद से फतेहपुर सीकरी रख दिया। तो कैसा लग रहा है आपको फतेहपुर सीकरी? है जैसा कि हम सोचते हैं फतेहपुर सीकरी एक ही, लेकिन यहाँ के पता पड़ा फतेह अलग है और सीकरी अलग है। फतेह अलग है, एक्सपायर नहीं इंस्पायर भाई, इंस्पायर। अब हम जा रहे हैं बुलंद दरवाजा, सामने बुलंद दरवाजा है और ये फतेहपुर सीकरी था। ये आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इमरान कुरैशी, इमरान कुरैशी। ये हमारे भाई अब गाइड है दरगाह के लिए और हम जा रहे हैं, सामने दरगाह है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है दरगाह में, देखते हैं कुछ मन्नत हम भी मांग रहे हैं, शायद हमारे बोला कुछ भला कर दे। और आप भाई? मेरा मूड खराब हो रहा है, लाल लाल दीवारें देखते हैं। न्यूयॉर्क के रहने वाले बंदे हैं, यहाँ पर कैसे रह लेंगे?
यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल जामा मस्जिद वाली फील आ रही है और सेम क्राउड भी इसी तरीके का है। एक तो ईद है तो यहाँ पर एक बात यह है कि क्राउड इतना ज्यादा है यहाँ के आसपास के लोग और हमारे तरफ बहुत सारे लोग टूरिस्ट वगैरह भी जो आए हैं। बुलंद दरवाजा के अंदर बाजार है, सुरंग है अनार का, तीन सौ का निकाला था फर्स्ट आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट से दिल्ली, दिल्ली से ये ग्राउंड पहले रास्ता है अनारकली को, वाल के अंदर जिंदा चलता है ये दिल्ली आता है जी। अभी टूट चुकी गवर्नमेंट ने बंद करा दी और सामने बनवा फतेहपुर कूलर, बेगा लाइट के उसको देख लो कूलर। तो ये बिल्कुल जस्ट हमारे पीछे दरगाह है, मैंने सोचा था कि यहाँ पर मैं जाऊँ एक बार लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है और भाई इतना टाइम नहीं है, अभी ताजमहल भी जाना है हमने यार। ये फतेहपुर है और ये बुलंद दरवाजा है जो कि एशिया में सबसे ज़्यादा ऊंचा है। हम आए हैं यहाँ पेठा लेने क्योंकि बहुत सुना है कि आगरा के सबसे ज्यादा फेमस स्वीट पेठा है। चले भाई पेठा ये वाला भाई कब तक चल जाता है कुछ मालूम है? फ्रिज के 3 महीने खराब नहीं होगा, जैसा है वैसे जाएगा। इसका नाम क्या भाई? केसर। केसर है कौन? अच्छा भैया ये क्या है? ये मिक्स फ्लेवर है, ये कितने वनीला आइसक्रीम पेठा, पाइनएप्पल, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी पेठा। कितने का है ये? 200 मिक्स से सही है, थोड़ा टेस्ट अलग लगाता रहेगा। तो मुझे तो ये मैं ये ले रहा हूँ वाला। हाँ जी भाई अगर आए तो सोचा व्लॉग बना ले। पेमेंट आगे चलो भाई खाए के देखो यार, कुछ पानी क्यों नहीं है ये कुल्फी? चले भाई चले ताजमहल।